अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए आलू के समोसे की एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो ना सिर्फ टेस्ट में आला होंगे बल्कि आँखों को भी दिलकश लगेंगे। मैं बनाने वाली हूँ आलू के फूल समोसे। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी है, एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। 3 कप मैदा लिया, 1.5 चाय का चम्मच नमक ऐड किया, 3 खाने के चम्मच घी ऐड किया, घी और मैदे को अच्छे तरीके से मसला, 1 खाने का चम्मच जीरा ऐड किया, 1 चाय का चम्मच अजवाइन और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छी सी सॉफ्ट डो बना ली। अब मैं इसको कवर करके 30 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, 1 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड की, 1 चाय की चम्मच कुटी हुई लहसुन, 1 खाने की चम्मच धड़ा मिर्च ऐड की, 1.5 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच जीरा, 1 खाने का चम्मच धनिया, 1/2 चाय की चम्मच सुरख मिर्च, थोड़ी भुनाई की, 1 खाने का चम्मच सिरका ऐड किया, 2 मिनट भून के अच्छा सा मसाला रेडी किया, 2 बड़ी साइज़ के आलू उबले हुए ऐड किए, थोड़ा हरा धनिया ऐड किया। बस अब मिक्स करके उतार लूँगी। आलू की फिलिंग रेडी है, डो रेडी हो चुकी है। एक छोटा पेड़ा लिया, बेल लिया, आलू की फिलिंग को सेंटर में रखा और साइडों पे हल्का हल्का पानी लगाया। देखें, इस तरीके से उठा के फोल्ड किया तमाम एजेस और दोबारा एक पेड़े की शक्ल में बना लिया। थोड़ा सा बेल के बिल्कुल बराबर कर दिया, फिर मैंने छुरी की मदद से इस तरीके से कट लगाए, सेंटर से थोड़ा सा अंदर करके दोनों किनारे मिला के जोड़ दिए, इस तरीके से जैसे फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं शेप में बना दिया। देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब मैं इनको फ्राई करूँगी मीडियम फ्लेम पे। 1 by 1 मैंने फ्राई कर लिए। देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त फूल समोसा बन के रेडी हो गया है। साथ में धनिया पुदीने की हरी चटनी बनाएं और आलू बुखारे की चटनी बनाएं और खुश शक्ल और टेस्टी समोसों से लुत्फ़अंदोज़ हों। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।